Hello students, good morning. Myself Shailendra Pandey here. Dear, I am from Little Flower Academy. Today we are going to discuss about some chapters for the class 9th from your biology subject. Okay dear, हमने अपने previous video में, इसके पहला जो video मैंने आपके class 9th के लिए बनाया था, उसमें हम लोगों ने discuss किया था cell के बारे में, about the cell. उसमें हमने डिफिनीसन पढ़ा था, उसमें हमने हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ा था. डिफिनीसन मैंने आपको बताया था और हिस्ट्री में हमने आपको बताया था. हिस्ट्री में हमने कहा था आपको जो सेल होती है उसकी खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने मतलब 1665 में किया था, ठीक. और आज हम कुछ आगे बढ़ने वाले हैं, तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मेरा नंबर है 9161998894. इस पर आप डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होती है वीडियो से संबंधित, ठीक है. और आप ग्रुप जो बनाया गया है उसमें वीडियो के नीचे कमेंट होता है, उसमें आप पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब अगले वीडियो में दे दिया करूँगा, ठीक है. चलिए बिना समय गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. आज हम लोग बात करेंगे दो प्रमुख चीज़ों पर. सबसे पहले आप निश्चित कर लेते हैं हम लोग, हमने हिस्ट्री खोजा था. और हाँ, भूलिएगा मत, अगर कभी पूछे कोई सबसे पहले सेल किसने खोजा था, तो रॉबर्ट हुक ने खोजा था. और अगर फिर कोई पूछे सबसे पहले जीवित कोश क्या किसने खोजा था, तो मैंने आपको डिस्कस किया था पहले वीडियो में, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा कंपटीशन में पूछा जाता है. बंधु चलिए देखते हैं. डियर, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट द साइज, साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल. वीडियो में पहले में ही मुझे बताना चाहिए था, लेकिन चूंकि वीडियो बड़ा हो जाता इसलिए दिक्कत थी. साइज ऑफ सेल एंड वी आल्सो नो अबाउट शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ साइज ऑफ सेल एंड शेप ऑफ सेल्स, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं. डियर, अगर हम साइज ऑफ सेल की बात करें तो आप जानिए हमारे बीच में सबसे छोटी कोशिका स्मॉलेस्ट सेल के रूप में आपको एक नाम बता रहा हूँ, PPLO. इसका पूरा नाम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, इस पी का फॉर्म होता है, सुनिए ध्यान से, फुल फॉर्म ऑफ PPLO इज प्लूरो न्यूमोनिया, प्लूरो न्यूमोनिया एल का फॉर्म मतलब हो जाएगा लाइक एंड ओ फॉर ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. हमारे पूरे जीव जगत में, इस पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, PPLO. इट इज आल्सो कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा, इट इज आल्सो कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा. अगर ये बहुत छोटी कोशिका है, जिसका माप क्या है उसकी बात करते हैं, इसकी माप जो है भैया 0.1 μm से लेकर 0.3 μm होता है, 0.3 μm होता है. और अगर अपने ही बीच में हम, अब अगर ये सबसे स्मॉलेस्ट की बात हो गई है, तो सबसे लार्जेस्ट की बात कर लें, लार्जेस्ट सेल की बात कर लें, लार्जेस्ट सेल ऑन अर्थ, पृथ्वी पे सबसे छोटी कोशिका और पृथ्वी पे सबसे बड़ी कोशिका की बात करें. आप हिंदी में नाम सुने होंगे शुतुरमुर्ग, जिसको हम ऑस्ट्रिच बर्ड कहते हैं, या पक्षी होती है ऑस्ट्रिच एग, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, एग होता है, वो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है. दैट्स ऑल अबाउट व्हाट साइज. एंड नाउ वी शुड नो अबाउट द शेप ऑफ सेल. If you talk about shape of cell, dear, then you will have to be confused. इसलिए मैं कह रहा हूँ, confusion इसलिए है कि ध्यान दीजिएगा, shape of cell क्या होता है, different होता है. क्या होता है, different होता है. अब different क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो कोशिकाओं का shape होता है वो different types के होते हैं, different टाइप्स के होते हैं. और वह डिफरेंट टाइप क्यों होता है, वो विभिन्न प्रकार क्यों होता है, आप बोलिएगा आंसर. अगर कोई पूछे कि डिफरेंट शेप के कोशिकाएं क्यों होती हैं, बोल देना क्योंकि उनका फंक्शन क्या होता है, अलग होता है. बिकॉज फंक्शन इज डिफरेंट, बिकॉज उनके कार्य अलग अलग होते हैं.
चलिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो मैं आपको बताऊं, हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है, नर्व सेल तंत्रिका कोशिका जिसे बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं। और ये नर्व सेल देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, बहुत ही बेहतरीन शेप में इस प्रकार से होता है। ये देखिए, ये होता है हमारे शरीर में नर्व सेल। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका कार्य ही ऐसा है। कार्य क्या है हम आगे आपको कभी डिस्कस करेंगे, अभी हम शेप के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ नर्व सेल। नर्व सेल हमारे शरीर में पाए जाने वाले एक प्रकार की कोशिका होती है। इसका ये बड़ा यूनिक शेप होता है। आपने सुना होगा नाम RBC, क्या RBC? ध्यान दीजिएगा, RBC कैसा होता है? RBC कुछ इस तरीके से होता है, ये देखिए ऐसे RBC इस प्रकार से होता है, जिसको हम आप अगर एक एक इसको बोलते हैं बाई कॉनकेव शेप। क्या बोलते हैं? बाई कॉनकेव शेप, उभया अवतल। आप लेंस के बारे में जानते हैं, जो लेंस होता है एक लेंस ऐसा होता है जो बीच में उभरा हुआ होता है, किनारे पर क्या होता है मतलब कि पिचका हुआ होता है, ठीक है। जबकि जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस में क्या होता है? किनारे पर उभरा हुआ होता है, बीच में धंसा होता है, ठीक है। तो हमारा RBC भी कुछ इसी प्रकार से होता है, ठीक। अगर शेप की बात करते हैं, हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं ऐसे भी होती हैं जो अमीबा की तरह होती हैं। यूँ समझो, आप ये कह सकते हो अमीबा लाइक होती हैं, मीन्स इनका शेप निश्चित नहीं होता है, निरंतर अपने शेप को बदलते रहते हैं। तो ये शेप हो गया। इसी तरीके से कुछ और बातें हम कर लें। हमारे शरीर में एक सेल, आपने सुना है मांसपेशी, कभी आपने सुना मसल मांसपेशी, जो हमारे हड्डियों को मूवमेंट लाती है, हड्डियों में मूवमेंट लाती हैं, हड्डियों को हमारे ऐसे हम ऐसे गर्दन हिलाते हैं, तो जो भी मूवमेंट हमारे बॉडी में होता है वो मांसपेशियों के कारण होता है। तो ये देखो, ये मसल सेल लिखा मैं यहाँ पे, देखो ये है क्या, मसल सेल। अब आप देखिए, जो हमारे ही शरीर का भाग है, हमारे शरीर पे ये कोशिका इस प्रकार से भी पाई जाती हैं। अगर आपने कभी सुना होगा स्पर्म, तो स्पर्म की बात करें तो बंधु स्पर्म भी कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए स्पर्म, ये हमारे ही शरीर की कोशिकाएं होती हैं। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, ये हो गया स्पर्म। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के शेप वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, और वो डिफरेंट टाइप के जो शेप होती हैं क्यों होती हैं? बिकॉज दे परफॉर्म डिफरेंट एंड यूनिक फंक्शन, देयरफॉर दे अडॉप्टेड सच टाइप ऑफ सेल। अभी हमारे पास ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं, ऐसे ढेर सारे एग्जांपल हैं जिसको हम यहाँ पर ले सकते हैं। और एक चीज़ और, एक और याद हो गया, बताता हूँ मैं आपको। हमारे शरीर में एक कोशिका और होती है, हमारी बोन सेल। कौन सेल? बोन सेल, अस्थि सेल, जो हमारे बोन्स में पाई जाती हैं। उसका स्ट्रक्चर आप देखिए, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, बड़ा अच्छा सा। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई चीज़ आसान यहाँ पर नहीं है, बस आप समझिए कि फंक्शन के आधार पर, कार्यों के आधार पर सभी शरीर की हमारी कोशिकाएँ अलग अलग शेप में पाई जाती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। चलिए, ये हो गया साइज ऑफ सेल, एंड देन हमने शेप की बात कर लिया। ध्यान देना, साइज के बारे में मैंने बता दिया, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, उसके बीच में सभी प्रकार की कोशिकाएं आ जाएंगी। और उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द शेप ऑफ सेल, तो आप बोल देना हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के, हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप के सेल पाए जाते हैं, जिनका शेप डिफरेंट होता है। लेकिन ये शेप किस पर डिपेंड होता है? फंक्शन पर। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक बहुत ही विशेष, मतलब कि टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं सेल थियरी। ध्यान दीजिएगा, आपकी बुक में छोटे से रूप में दिया गया है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेल थियरी। आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। विज्ञान में दो शब्द आपको बड़े मतलब कि मिलते जुलते मिलेंगे। एक शब्द आपको यहाँ पर मैं देख रहा हूँ थियरी है, और एक शब्द आपको मिल सकता है हाइपोथेसिस। ध्यान दीजिएगा,
दोनों का मतलब होता है मत या विचार, दोनों का मतलब होता है मत या विचार। भूलिएगा मत, फिर मैं बोल रहा हूँ, हमें विज्ञान में दो शब्द मिलते जुलते मिलते रहते हैं हमेशा। एक होता है आपका क्या, थियोरी, और दूसरा होता है क्या, आपका हाइपोथेसिस। दोनों का मतलब होता है मत या विचार, लेकिन ध्यान दीजिएगा, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, किसी अनजान, अगर हमारे प्रकृति में कोई अनजान सी घटना हो रही है और उस पर वैज्ञानिक अपना बिना एक्सपेरिमेंट किए, बिना ज़्यादा रिसर्च किए अपना विचार देते हैं, तो आगे चल के वो गलत भी हो सकता है ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइपोथेसिस। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसे होते हैं या वैज्ञानिकों को ऐसा करना पड़ता है कि पहले उस अनजान घटना पर, जो भी हमारे इस नेचर में घटित हो रहा है, जो भी हमें कुछ नया चीज़ दिखाई दे रहा है, पहले इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको प्रूव करें कि हाँ ये चीज़ यही है, देन तब उसके बारे में जो बताया जाता है उसको सही माना जाता है, और उसी सही और मतलब कि प्रूव्ड सिद्ध विचार को ही यहाँ पर क्या बोला जाता है, थ्योरी। अब बात आता है सेल थ्योरी का, आप समझ गए होंगे, इसका मतलब कोशिका के बारे में एक्सपेरिमेंट के पश्चात प्राप्त किया गया सिद्ध प्रूव्ड नॉलेज, प्रूव्ड इम्पॉर्टेंट नॉलेज अबाउट दी सेल, उसको क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो कोशिका सिद्धांत होता है, सेल थ्योरी जो होता है, इसको इट वॉज प्रपोज्ड बाई, इसको दिया किसने था, ये भी अपने आप में वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो आपको यहाँ पे दो नए बड़े अच्छे नाम मिल जाएंगे। एक नाम आपको मिल जाएगा SCHWANN श्वान, एंड दूसरा नाम मिल जाएगा SCHLIEDEN श्वान एंड स्लाइडेन। कौन वैज्ञानिक, श्वान एंड स्लाइडेन, ये दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं। इन्होंने ही क्या किया था, कोशिका के बारे में अध्ययन किया, और कोशिका के बारे में अध्ययन करने के बाद क्या किया, सेल थ्योरी दिया। स्लाइडेन ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो 1838 में दिया, और श्वान ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो 1839 में। अब आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग ईयर में खोजा गया चीज़ एक ही साथ क्यों बोला जा रहा है। दरअसल श्वान और स्लाइडेन ने जब कोशिका के बारे में एक्सपेरिमेंट किया, अपना अध्ययन किया, तो उन दोनों वैज्ञानिकों ने भले अलग अलग समयों पर इसकी खोज की, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन दोनों वैज्ञानिकों ने सही और सटीक खोजा था, जो कि सही था और कोशिका के बारे में सही जानकारी देता था, इसलिए प्रपोज्ड के आधार पर दोनों को अलग अलग न करके वैज्ञानिकों ने कहा कि इनका नाम एक साथ समेट कर हम बोल देते हैं कि कोशिका सिद्धांत की खोज या कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, श्वान और स्लाइडेन ने। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपके बुक्स में नहीं लिखा गया है, देखिए जो आपके वैज्ञानिक श्वान हैं, इन्होंने एनिमल सेल पर अध्ययन किया था। कौन से सेल पर, एनिमल सेल पर अध्ययन किया था, और जो आपके स्लाइडेन वैज्ञानिक हैं, इन्होंने प्लांट सेल पर अध्ययन किया था। ये भी अंतर है, ध्यान दीजिएगा, अंतर क्या मिल गया, दो। श्वान ने 1839 में और स्लाइडेन ने 1838 में डिस्कवरी किया था कोशिका के बारे में। परंतु अगर आपसे कोई पूछे सवाल ये है कि एनिमल सेल के आधार पर सिद्धांत किसने दिया, सेल थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ एनिमल सेल हु प्रपोज दिस, देन यू विल से दैट स्वान, इट वाज द स्वान इन 1839, एंड सेल थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ प्लांट सेल तब आप क्या बोलेंगे, इट वाज स्लाइडेन इन 1838। ठीक, अच्छा इन्होंने क्या कहा था उसको देख लेते हैं। इन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें बोली, उनमें क्या बोला, उन्होंने कहा, पहला शब्द बोला, ऑल ऑर्गेनिजम ऑन दिस अर्थ आर मेड अप ऑफ सेल, सेल ओ आर सेल्स, यहाँ पर मतलब हो जाएगा एक कोश की अगर होगा तो एक कोश एक बना रहेगा, और बहु कोश की होगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे यस जोड़ दिया है, सेल्स। दूसरा विशेष पॉइंट जो उन्होंने बोला, क्या उन्होंने ये बोला कि सेल इज द
इज द स्ट्रक्चरल व्हाट स्ट्रक्चरल संरचनात्मक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ये देखिए ये भी मस्त बात उन्होंने बोला। पहले सिद्धांत में उन्होंने बोला कि सभी जीव जो होते हैं कोशिका या कोशिकाओं से बने होते हैं, जो कि सही पाया गया, इसलिए इनको इसलिए तो इसको थ्योरी बोला गया था, सही पाया गया। दूसरी बात उन्होंने बोला कि भैया जो शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं दे हैव देयर ऑन ऑर्गेनाइजेशन, उनका अपना एक संरचना होता है, दे हैव देयर ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक संगठन होता है और वे कोशिकाएं एक क्या करती हैं, फंक्शन करती हैं, वो कार्य करते रहते हैं जिससे पूरे शरीर का कार्य चलता रहता है, जो कि सही है। अगर हम खड़े हैं, मैं अगर यहाँ बोल रहा हूँ, अगर आप बैठ के मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है ये आप देख रहे हैं? नहीं डियर, ये हमारे शरीर की एक एक कोशिकाएं मिलकर सब काम कर रही हैं, ठीक है, सब काम कर रही, मांसपेशी अपनी काम कर रही हैं, आँख वाली कोशिकाएं अपनी काम कर रही, ब्रेन सेल्स अपना काम कर रहे हैं, ईयर्स जो है अपने काम कर रहे हैं, आईज नोज सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं, तब हम जाके एक बड़ा कार्य कर रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं और आप मेरी वीडियो देखकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बातें सही थी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, सुनिए ध्यान से। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम फिर से आप दिया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, याद रखना। ये वैज्ञानिक आए, उनका नाम था रुडोल्फ वर्को आए। इन्होंने क्या किया, कहा जाता है कि ही रिवाइज्ड, इन्होंने कोशिका सिद्धांत को पुनः प्रतिपादित किया, ही रिवाइज्ड सेल थ्योरी। इन्होंने कहा भाई आपने जो बोला वो सही है, लेकिन आपने कुछ चीज़ें नहीं बोली हैं, उसको मैं बोलने जा रहा हूँ। कौन बोलने जा रहा है? रुडोल्फ वर्को। रुडोल्फ वर्को ने अपना अध्ययन किया अलग से, जिन चीज़ों को स्वान और स्लाइडर नहीं बता पाए थे उसको किसने बताया? रुडोल्फ वर्को। रुडोल्फ वर्को ने क्या बताया वो सुनिए। रुडोल्फ वर्को ने क्या कहा यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं हटा रहा हूँ थोड़ा सा। रुडोल्फ वर्को ने जो कहा उसको मैं यहाँ बना रहा हूँ। रुडोल्फ वर्को ने कहा कि एक जब कोशिका होती है, ये मान लीजिए ऐसे, रुडोल्फ वर्को ने कहा जब एक नई कोशिका बनती है, न्यू सेल बनती है, तो ये वृद्धि और विकास करके बड़ी कोशिका में बदल जाती है और ये बड़ी कोशिका अब न्यू नहीं बल्कि क्या कहलाएगी, ओल्ड कहलाएगी, और इस ओल्ड सेल से पुनः न्यू सेल का निर्माण होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर सुनिए अब क्या रुडोल्फ वर्को ने फिर क्या, ध्यान सुनना, रुडोल्फ वर्को एक्सप्लेन इन हिज न्यू रिवाइज सेल थ्योरी दैट ऑल द न्यू सेल्स आर मेड बाई ओल्ड सेल्स, ऑल द न्यू सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ओल्ड सेल। आप ये बोलिए या बोल दीजिए ओल्ड सेल बोलिए, या आप बोल सकते प्री मतलब होता है पहले से ही एग्जिस्टिंग, ध्यान देना, प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इट वॉज द न्यू लाइन एडेड बाई द रुडोल्फ वर्को, और इसलिए रुडोल्फ वर्को का ये जो तीसरा पॉइंट आपके सामने आता है वो क्या है, तीसरा पॉइंट आता है क्या होता है, आल या बोलिए न्यू सेल्स आर ओरिजिनेटेड अथवा आप लिख सकते हैं फॉर्म, न्यू सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओल्ड सेल बोलिए, पुरानी कोशिका बोलिए, या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मैंने आपको बोला, हाँ आप लिख सकते हैं ओल्ड सेल। इट वॉज द न्यू लाइन
एंड न्यू डिस्कवरी अबाउट द सेल थ्योरी अबाउट द फुल नॉलेज फॉर द सेल इज दैट न्यू सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ओवर ओल्ड सेल। यानी नई कोशिका, आप भी बताइए नई कोशिका कहाँ से बनेगी, जो पुरानी कोशिका होगी ना, तो नई कोशिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है, पुरानी कोशिकाओं से होता है। एंड इट वाज रुडोल्फ फर्को ने जो ये नया थ्योरी जोड़ा था, इट वाज डिवाइड इन 1855। तो डियर, इन टुडेज वीडियो वी लर्न अबाउट द शेप ऑफ सेल एंड अबाउट द साइज ऑफ सेल एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट सेल थ्योरी। ठीक, सेल थ्योरी मैंने बताया आपको, दो शब्द हम बोलते हैं, एक हम बोलते हैं शब्द थ्योरी और एक हम शब्द बोलते हैं हाइपोथेसिस। दोनों का मतलब ही होता है मत या विचार, परंतु ये हाइपोथेसिस हम उन चीज़ों के लिए बोलते हैं जिसमें वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है बल्कि अपना विचार दे दिया है जो कि अभी गलत हो सकता है। लेकिन थ्योरी हम किसे बोलते हैं, जिसमें वैज्ञानिकों ने अपना विचार तब दिया है जब उन्होंने उस संबंधित चीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट किया है और वो एक्सपेरिमेंट सही पाया गया है, तब उसको हम थ्योरी बोलेंगे। तो सेल थ्योरी में हमने बताया क्या, सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमेशा नीट में, जब आप जाएंगे वहां तक क्वेश्चन पूछा जाता है, एंट्रेंस में पूछा जाएगा कि हु प्रपोज सेल थ्योरी, आप बोलिएगा स्वान एंड स्लाइडेन। स्वान परफॉर्म थ्योरी इन 1839 एंड ही स्लाइडेन परफॉर्म दिस थ्योरी इन 1838। बट इन्होंने जो भी चीज़ें बताई वो सब बढ़िया था, सही था, इसलिए उनको मिला दिया गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपसे कोई पूछे एनिमल कोशिकाओं के अध्ययन के आधार पर सेल थ्योरी किसने दिया था, देन इट वाज स्वान। एंड प्लांट सेल के आधार पर किसने सेल थ्योरी दिया था, देन इट वाज स्लाइडेन। इन्होंने क्या बोला था, ऑल ऑर्गेनम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सभी जीव जो होते हैं वो कोशिका या कोशिकाओं से बने होते हैं और सभी जो कोशिकाएं होती हैं वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं, संरचनात्मक होती हैं, उनका अपना कुछ न कुछ कार्य होता है। बाद में रुडोल्फ फर्को आते हैं, इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी को फिर से रिवाइज किया ईयर 1855। रिवाइज मतलब उन्होंने कोशिका सिद्धांत में कुछ और नया जोड़ा। नया क्या जोड़ा, उन्होंने कहा कि आपने जो बताया वो सही है परंतु एक लाइन और जोड़ना जरूरी है, क्या, कि जब सभी नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से ही विद्यमान, प्री एग्जिस्टिंग, विद्यमान मतलब उपस्थित, प्री एग्जिस्टिंग कोशिकाओं से ही होता है। तो यहाँ पर रुडोल्फ फर्को ने क्या बोलते हैं, न्यू सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। रुडोल्फ फर्को ने एक और मतलब इसी चीज़ को उन्होंने एक लैटिन भाषा में एक भाषा में उन्होंने बोला था, इसको क्या सुनिए, रुडोल्फ फर्को ने बोला ओमनिस सेल्यूला। जब आप क्लास 11th में आएंगे तब ये सब मिलता है आपको, फिलहाल अभी ले लीजिए ई सेल्यूला। ओमनिस से देखिए, ओमनिस सेल्यूला ई अलग रहेगा फिर सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इट वाज द कोटेशन ऑफ द रुडोल्फ फर्को, मंत्र है याद कर लीजिएगा, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, क्या बोलेंगे, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, जिसका मतलब होता है क्या, ऑल द सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो आज के लिए थैंक यू, अगर आपको इसमें कुछ भी समझना है तो आप कमेंट करिए या तो आप 9161998894 पर मिलिए, और मेरा एक अलग से चैनल है अगर आप चाहें तो उस पर विजिट कर सकते हैं, मैं उस पर बायोलॉजी ही पढ़ाता हूँ, नाम है सुपर बायोलॉजिस्ट इंडिया। आप YouTube पे सर्च करेंगे आपको मेरा बायोलॉजी का चैनल मिलेगा, सुपर बायोलॉजिस्ट इंडिया, इसको एक साथ लिखिएगा, यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर फिर इंडिया। सो प्लीज़ थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।